हेलो दोस्तों, propertylendein.com चैनल पे आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल सिटी की। आपने सुना ही होगा नाम, गुड़गांव में ग्लोबल सिटी आ रही है, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ग्लोबल सिटी आ कहाँ रही है। तो आज हम बताएंगे ग्लोबल सिटी आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे है और जो पटौदी रोड है इसके पास आ रही है। गुड़गांव के सेक्टर 36 और 37 में ये ग्लोबल सिटी पड़ेगी। ये करीब 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी डेवलप की जाएगी। हरियाणा गवर्नमेंट का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर हरियाणा गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया हुआ है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट फेज लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का मौका भी मिलेगा। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हर तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। इसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है उस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ग्लोबल सिटी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने टेंडर जारी कर दिया है। करीब 750 करोड़ रुपए का टेंडर है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, जिसकी जो लास्ट डेट है 14 नवंबर है। ये 750 करोड़ रुपए किस चीज़ पर खर्च होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी पर, वाटर लाइन्स पर, इलेक्ट्रिफिकेशन पर, ड्रेनेज सिस्टम पर, लैंडस्केपिंग पर, इन सारी चीज़ों पर ये 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये अलग अलग फेज़ में टेंडर इस तरह के आते रहेंगे, डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा। फर्स्ट फेज़ में करीब 250 एकड़ जो लैंड है उसका ई ऑक्शन किया जाएगा। वो ई ऑक्शन में किस तरह की प्रॉपर्टी आएगी उसके बारे में भी आपको इस चैनल पर सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। मैं इस बात को इस दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब भी चाहे वो DDA हो, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो और चाहे वो HSVP हो हरियाणा गवर्नमेंट की, चाहे वो HSIDC हो, ये एजेंसी जब भी ई ऑक्शन करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, प्लॉट्स का, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का, सबसे पहले उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तभी मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह रहा हूँ कि ग्लोबल सिटी में फर्स्ट फेज जैसे ही लॉन्च होगा, ई ऑक्शन उसका होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। जो द्वारका एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं रियल एस्टेट में या द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे के रियल एस्टेट को लेकर क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है यहाँ पर रेजिडेंशियल ही रेजिडेंशियल सेक्टर डेवलप होते जा रहे हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं रेजिडेंशियल, यहाँ पर ना तो कोई ऑफिस स्पेस दिख रहा है, ना तो कोई ऑफिस की कैंपस तैयार हो रही है, ना यहाँ उस तरह का कोई कमर्शियल एक्टिविटी दिख रही है। तो जब इतने सारे रेजिडेंशियल आ जाएंगे तो वहाँ पर रहेगा कौन, जब आसपास ना तो कोई ऑफिसेज होंगे ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये ग्लोबल सिटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बनेगी, तो यहाँ पर आपको कमर्शियल भी, हाईटेक इंडस्ट्री भी, IT जोन भी, फाइनेंशियल हब भी और रेजिडेंशियल सेक्टर भी इस ग्लोबल सिटी में देखने को मिलेंगे। तो ये ग्लोबल सिटी में जब इतने सारे ऑफिसेज आएंगे तो उन ऑफिसेज में जो काम करने वाले लोग होंगे वो हाई स्किल्ड वाले लोग होंगे, जिनकी सैलरी भी अच्छी होती है। सारे लोगों को ग्लोबल सिटी में ही रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी वो लोग रहेंगे और आसपास का रियल एस्टेट को इससे एक बेनिफिट मिलेगा। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जैसा कि साइबर हब के आसपास के जो सेक्टर्स हैं, जो कॉलोनीज हैं, जो गाँव हैं, इवन वहाँ पर लोग देखे, आपने देखा होगा वहाँ लोग कितना बेनिफिट उठा रहे हैं साइबर सिटी से। छोटे छोटे उन्होंने फ्लैट बना दिए हैं एक के ऊपर एक और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रेंट लोग कमा रहे हैं और प्रॉपर्टी के दाम तो आपको पता ही है साइबर सिटी के आसपास कितना है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि ग्लोबल सिटी का द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के जो सेक्टर्स हैं 36-37 यहाँ पर रियल एस्टेट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि हरियाणा गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट की एक एजेंसी है HSIDC, जिसका काम है हरियाणा के अलग अलग शहरों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करना। उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ग्लोबल सिटी को वो डेवलप करे, उसका कामकाज वही देखे। टेंडर भी HSIDC के द्वारा जो जारी किया गया है 750 करोड़ रुपए का ग्लोबल सिटी का, वो भी HSIDC ने ही जारी किया है। HSIDC के जो काम है थोड़े वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, गुड़गांव से मारुति जो कंपनी है वो शिफ्ट होकर खरखौदा में जा रही है, और खरखौदा में जहां पर ये कंपनी जा रही है मारुति की और सुजुकी भी वहां पे 100 एकड़ में आ रही है, वहां पर 3300 एकड़ की एक IMT डेवलप की है। IMT का मतलब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। वो डेवलप करने वाली जो एजेंसी है वो HSIDC ही है। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहले भी HSIDC इम्प्लीमेंट करती रही है, बनाती रही है, तो ग्लोबल सिटी के काम को भी मुझे पूरी उम्मीद है HSIDC बहुत अच्छे से कर लेगी।
अब हम इस चीज़ पे थोड़ा थिंक ओवर कर लेते हैं कि ग्लोबल सिटी का आखिर आइडिया हरियाणा गवर्नमेंट को आया कहाँ से। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों हरियाणा सरकार के जो सीएम है वो दुबई गए थे, तो दुबई में जंगल सफारी है, वहाँ से इंस्पायर होके वो अपना गुड़गांव में और नूह में जंगल सफारी लेकर आ रहे हैं। 10,000 acres में मैन मेड सफारी है, पहली सफारी दुबई में है। जो नेचुरल सफारी है वो अफ्रीका में है, और उसके बाद जो मैन मेड है वो दुबई में है, और दूसरी जो इस तरह की सफारी बनेगी वो इंडिया में बनेगी। तो दुबई में और सिंगापुर में जिस तरह ग्लोबल सिटी है, उस तरह के बिजनेस हब्स हैं, बिजनेस पार्क्स हैं, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उससे इंस्पायर होकर ही हरियाणा गवर्नमेंट ये ग्लोबल सिटी डेवलप कर रही है। पिछली बार जब हमने जंगल सफारी को लेकर एक वीडियो डाला था तो काफ़ी क्रिटिक उस पर कमेंट आए थे। लोगों का कहना था यहाँ पे सड़कें तो बेसिक बनी हुई नहीं है और आप जंगल सफारी की बात कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। सड़कें बहुत ख़राब हैं, स्पेशली अगर हम बात करें न्यू गुड़गांव की तरफ जाएं या हम SPR पर जाएं, गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड उसे कनेक्टेड रोड है, उधर जाएं तो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। सड़कें ठीक होनी चाहिए, पर हमें इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको भी समझना होगा। आप देख रहे हैं चारों तरफ डेवलपमेंट चल रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है बड़े बड़े डंफर बड़े बड़े ट्रक्स में हो जाता है, जिस वजह से वो जो रोड्स हैं वो कारों के लिए चलने के लिए, हैवी व्हीकल के लिए नहीं है, वो रोड टूट जाते हैं और सड़कों में गड्ढे और सड़कें टूट जाती हैं और ज़्यादा दिन तक सड़कें नहीं चल पाती हैं। तो हरियाणा सरकार भी इसको लेकर थोड़ा सा सुस्त है कि एक बार ये थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम हो जाए, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह बन जाए, तब हम अच्छे से सड़कें बना दें। अभी तो उस पर लीपापोती होती रहती है, उन गड्ढों को भरने का काम किया जाता है, कभी कभी कहीं कहीं सड़कें बन जाती हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से और आपको समझाना चाहूँगा। दिल्ली में भी बहुत सारा एरिया ऐसा है, अगर आप लुटियंस दिल्ली को छोड़ दें तो उसके अलावा दिल्ली बहुत बड़ी है, और दिल्ली में बहुत एरिया ऐसा है जहाँ पर सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं दिल्ली में नया पार्लियामेंट हाउस बन के तैयार हो गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तैयार होने जा रहा है। तो सड़कें टूटी वहाँ भी हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट का काम नहीं रुका है, वहाँ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसी तरह सड़कें टूटी गुड़गांव में भी हैं, और ग्लोबल सिटी जंगल सफारी गुड़गांव में भी आएगी, और सड़कें टूटी भी रहेंगी, कल को ये बनेंगी, बारिश होगी पानी भी भरेगा, पर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं लगातार यहाँ आते रहेंगे और काम इसी तरह चलता रहेगा। काफ़ी एक सेंटिमेंट ये आ रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है अब सुस्ती की तरफ बढ़ रहा है, अब वो पहले वाली रफ्तार नहीं रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ रफ्तार बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं गुड़गांव में कभी भी एक बिल्डर ने एक साथ तीन तीन चार चार प्रोजेक्ट इस तरह लॉन्च नहीं किए। जो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, जो चल रहे हैं, आपको पता ही होगा गुड़गांव में कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, और लोग उसको लेके काफ़ी बुलिश हैं। सैटरडे संडे के दिन एक दिन टाइम निकाल के इन जो नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनके ऑफिस में जाके देखिए, आपको भीड़ देखने को मिलेगी। आपको पता लगेगा कि रियल इस्टेट को लेकर मार्केट अभी ठंडा नहीं है, मार्केट अभी गर्म है, और ग्लोबल सिटी के आने से और इसको एक पुश मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के रियल इस्टेट को। बहुत स्पेसिफिक होकर बात करूं तो ग्लोबल सिटी के आने से द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रियल इस्टेट है उसको एक पुश मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ आपको क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ आपको फाइनेंशियल सेंटर देखने को मिल सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफिस स्पेसेस देखने को मिल सकते हैं, इनोवेशन स्टार्टअप जोन देखने को मिल सकता है, हॉस्पिटैलिटी जोन मिल सकता है यहाँ पर देखने को, हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देख सकते हैं आप। उसके साथ साथ अफोर्डेबल वालों के लिए भी खुशखबरी है, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप हेल्थ केयर जोन देख सकते हैं, मॉल देखेंगे आप, हाई एंड बिजनेस स्ट्रीट्स देखेंगे आप यहाँ पर। यहाँ पर आप नेबरहुड शॉपिंग देखेंगे, शॉपिंग मॉल्स देखेंगे, इसके अलावा सिटी पार्क और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नई नई देखने को मिलेंगी। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं ये ग्लोबल सिटी जो है गुड़गांव को, जिसको मिलेनियम सिटी भी कह देते हैं, एक अलग पहचान देगी। तो गुड़गांव के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसा मैंने आपको बताया, जंगल सफारी और आपका ग्लोबल सिटी, ये गुड़गांव को एक पुश देंगे। आपको पता ही है अगले एक साल के अंदर अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा अर्बन एक्सटेंशन करके एक, जिसको हम रिंग रोड 2 कह देते हैं, वो बनने जा रहा है, जो पानीपत सोनीपत होता हुआ बहादुरगढ़ होता हुआ सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो गुड़गांव में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके पानीपत सोनीपत आपके करनाल, और तो गुड़गांव के रियल इस्टेट में चंडीगढ़ पंचकुला अंबाला कुरुक्षेत्र करनाल सोनीपत पानीपत के जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तो हम दूसरी तरफ बात करें रोहतक जींद भिवानी हिसार सिरसा और इवन पंजाब तक की जो बेल्ट है उनको भी एक अच्छा एक्सेस मिलेगा NH-10 से होते हुए अर्बन एक्सटेंशन और
रिंग रोड 2 से होते हुए UER अर्बन एक्सटेंशन रोड जो है उससे होते हुए आप सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे गुड़गांव में एंटर कर सकते हैं। तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है आने वाले दिनों में। आपको पता है एक प्लानिंग ये भी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से एक डेडिकेटेड टनल बनेगी जो सीधा एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि गुड़गांव में स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रियल एस्टेट का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। बाकी आपको क्या लगता है गुड़गांव रियल एस्टेट का जो फ्यूचर है वो कैसा है, आने वाले दिनों में आप कैसा देखते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट को? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। और आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं ग्लोबल सिटी के बारे में, तो आप वो कमेंट लिख सकते हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है, अगर आप वीडियो को पसंद किया है आपने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ग्लोबल सिटी वीडियो का पार्ट 1 है ये, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में हम आपको ग्लोबल सिटी की जो साइट है उसकी विजिट कराएंगे। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है हम ऑन द स्पॉट हम साइट पे जाते हैं, साइट पे जाके चीज़ें ज़्यादा बेहतर बताते हैं, ज़्यादा बेहतर समझाते हैं। एक तो आपको साइट देखने को मिलेगी और दूसरा जैसे ही इसका ऑक्शन स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ग्लोबल सिटी में जो भी ऑक्शन होगा प्रॉपर्टी का, प्लॉट्स हों उसमें चाहे रेजिडेंशियल हों, प्लॉट कमर्शियल और अलग टाइप के प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके बारे में सबसे पहले डिटेल हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सेकंड जो वीडियो आएगा इसका उसको मिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।